हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको लिए जाने वाले हैं तमिलनाडु राज्य के एक बेहद खास मदुरई शहर के सफर पे। मदुरई जो कि तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में से एक है, इसे तमिलनाडु का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है। ये चेन्नई और कोयम्बटूर के बाद तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। वेगई नदी के तट पर स्थित यह भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। मदुरई को थोंग नगरम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह शहर जो कभी नहीं सोता हो। यहाँ के डाटा और डेमोग्राफी पर नजर डालें तो यह शहर 147.97 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ की आबादी 10,17,000 से भी अधिक की है। ये तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। वहीं ये पूरे भारत में 44वें पायदान पर आता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा तमिल और इंग्लिश है, लेकिन यहाँ सौराष्ट्र, तेलुगु और हिंदी भाषा भी बोला जाता है। यहाँ 1000 पुरुषों के अनुपात में 990 महिलाओं का जन्म होता है। सड़क पर चलते चलते अगर आपको अधिकतर गाड़ियाँ TN58 नंबर प्लेट की दिख जाए तो समझ लीजिए आप तमिलनाडु के मदुरई में प्रवेश कर चुके हैं। मदुरई कम से कम 3री शताब्दी ईसा पूर्व से बसा एक बेहद प्राचीन शहर है। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मदुरई का दौरा किया था, जिसका उल्लेख उसने अपनी किताब में मिथोरा के रूप में किया है। ये मौर्य, पांड्या, चोल और विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा रहा है, जिसके बाद ये ब्रिटिश राज्य के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ 85% हिंदू, 8.45% मुस्लिम और 5.18% क्रिश्चियन धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र डालें तो यहाँ का मदुरई जंक्शन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो कि भारत के सभी बड़े शहरों से रेल के माध्यम से जुड़ा है। सड़क मार्ग की बात करें तो ये भारत के प्रमुख मार्गों से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रमार्ग 7, 45B, 208 और 49 से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा मुहैया कराता है, जो कि शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, अंत में ये जान लेते हैं यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में, जहाँ आपको ज़रूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहाँ के मीनाक्षी अमन टेम्पल, रिकोडाल असगार टेम्पल, गांधी मेमोरियल म्यूजियम, थिरुमलई पैलेस, बंदिया और मरियमन, और आप यहाँ के वैगई डैम में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शहर पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉस्मो।